मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि राजनीति में आकर अपनी पहचान बनाना कभी मेरा मकसद नहीं रहा और ना ही मेरे परिवार का राजनीति के साथ कोई वास्ता रहा है। आज जहां मुझे इस बात की खुशी है कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं अपने प्रदेश की सेवा कर सकूंगा, वहीं मुझे इस बात का डर भी रहता है कि पता नहीं मैं आपकी आशाओं को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। मुझे इस इम्तिहान को पास करने के लिए आप सबकी और अपने साथियों के सहयोग की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे डिप्टी सीएम श्री कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, जिनके राजनीतिक अनुभवों का हमें लाभ होगा। मैं आपसे यह वादा नहीं करता कि इन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, क्योंकि हालात जिस तरह बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारने में कुछ वक्त तो लगेगा ही, और ना ही मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हर नौजवान के पास जल्द से जल्द रोजगार होगा, और ना ये कि गरीबी को हमारी सरकार जल्द से जल्द खत्म कर देगी। लेकिन हां, इतना वादा मैं अवश्य करता हूं, मैं इस प्रदेश से अपराधियों का पूरी तरह सफाया कर दूंगा, ये मेरा वादा है। जब बिल्कुल आप क्या करता है सलीम, मेरा नाम रियाज है, मैं अंदर चल कर बताता हूं तुझे। जब आवाज नहीं जो पोता का नहीं तू सब, यही है वो भाईखला का छोकरा। नहीं सब, नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। छोकरियों को छेड़ता है, बंद कर दो साले को। और सब, जान को कोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी आ गई है। इसके कपड़े कहाँ हैं? ये रहे सब। अपनी इस हालत का जिम्मेदार तू खुद है। आगे से ऐसी तकलीफ से बचना चाहता है तो कोर्ट में वही बयान देगा जैसा मैंने तुझे बताया है। देवा ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग करता है और इस काम के लिए उसने तुझे इस्तेमाल किया है, यही कहना है तुझको, समझा? बैन। बयान तो मैं दे दूंगा साहब, मगर कोर्ट के बाद मेरे को सीधा यही लाना साहब। मैं बाहर नहीं निकलूंगा साहब जब तक देवा पकड़ा नहीं जाता, मुझे यही रखना साहब। कोर्ट में देवा के खिलाफ तेरा बयान हो जाए बस, देवा जेल की सलाखों के पीछे होगा। चलो चलो पीछे हटो चलो। Excuse me, सर, हम उस गवाह के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। क्या उसने पुलिस में यह बयान दे दिया है कि वो देवा के लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। तो क्या पुलिस भी देवा के नाम से? सब पता चल जाएगा आपको, कोर्ट के फैसले के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और फैसले में देर कितनी है? इस वक्त तो गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुलकर्णी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं सर। तो गए कहां? ये सब मुझे इस तरह यहां पर लाया गया, ये ठीक नहीं है देवा। सलामत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में
5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, बगरेस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहाश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से 1 अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। देवा, देवा, देवा सुन तो, देवा, देवा मेरी, मेरी, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? एक बात तो सुन ले आकाश। देख, मुझे नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं। कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर, और मैं एक मिल में। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी? दिन रात इसीलिए मरता था मैं? देवा मैं मानता हूँ कि ये काम तेरे लायक नहीं था, लेकिन आदमी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं आकाश, मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मुझे पसंद नहीं, मैं वहां काम नहीं कर सकता। तू उस नौकरी में जीने की बात करता है? ये देख, 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा, देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख, नंगे पाँव तुम्हें लग जाएगी। देवा, देवा मेरी बात तो सुन। देवा, देवा तूने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरे जूते फट गए? देख, मुझे अगली तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, पहन ले। नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर का भाई नंगे पैर चल रहा है। छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं, और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो। किसी भी नौकरी में एक पल भी टिक कर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा, देवा देखा इसकी अकड़ देखी। इसका मतलब यह है कि जो करना चाहे से करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए।
बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? ए, तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है, अपन पूरे 5000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो एक और गांधी जी आ गए। ए, चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा, चल फूट ले चल। भैया भैया चलो ना। ए, चल 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 शाने चल। आकाश गुड्डी को लेकर घर जाओ, चलो चलो। क्यों बे? मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू। बाबूजी गलती उन लोगों की थी, पहले उसने मुझे हाथ लगाया उसके बाद। और उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी, उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ हाँ मैंने मारा उन्हें, अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा किस तरह बात कर रहे तू? मुझे बोलने दे माँ, मेरे भाई को कोई गाली दे उस पर हाथ उठाए मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुजदिलों की तरह जी भी नहीं सकता, बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसके हर बात पे नाराज हो जाते हैं, अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश, 8-10 थे वो और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें, एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? टान टान। आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं, खाना खा लो खाना खा लो। चलो हाँ यार रखते हैं। वैसे भैया कुछ भी हो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह, अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर, तेरी ये तारीफ के पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी, फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हूँ हंसी। मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या जी? प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो तुम्हारे जिद्दी लड़के की सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया। इसे क्या हुआ? गुड्डी गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका, मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा देवा रुक रुक बेटा रुक। क्या देवा? देवा रुक भैया, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हमें तो बात नहीं है भैया, हम विलास को सुना देगा। चुप करिए भैया, प्लीज भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया रुक जा, भैया क्या कर रहे हो? रुक जा भैया, चल लग गई यार मिंडी।
पैसा निकाल, पैसा निकाल, 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 निकाल। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। नहीं बाबूजी, बाबूजी विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत ये अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश क्या कर रहा था, देख मुझे भी रुलाएगा आकाश। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल धान साहब बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले ले ले। हो 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 मेरा बच्चा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे दीपू अरे अरे दीपू अरे दीपू अरे रुक ना, ए रुक। देखिए जो होना था सो हो चुका, 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए,
मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया गुड्डी देवा। हाँ जीते रहो बेटे। बेटे अब तुझे भी अपनी सोच अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था। देखा इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया। नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए, हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, हाँ ये सच है, मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए, अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया, आप तो जानते हैं कि। नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, देवा, सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा, देवा, देवा सुन, देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं, उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 आकाश देख मेरे साथ कौन आया है। इंदर, अरे उधर खड़ा रहेगा या गले मिलेगा? आ इधर, आ इधर। अरे सरकारी खाना खाकर तो बहुत तकड़ा हो गया तू। अच्छा अब ये बता, इस शहर में तू मेरा मेहमान बनकर रहेगा या सरकार का? अरे यार इतने सालों की कोशिश के बाद तो यहाँ ट्रांसफर मिला है। कुछ भी कह देवा, अपना शहर तो अपना ही शहर होता है। अरे इसी शहर में ट्रांसफर हो गया? जनाब एसीबी साहब हो गए हैं। इंदर तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ। देख अपनी वर्दी पर 2 स्टार बढ़ाने के लिए मुझे तो सालों लग गए, लेकिन तेरी तरक्की से तो मैं बहुत ही हैरान हूँ। क्या बात है, अपना देवा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सारी बातें यही खत्म करनी है क्या? सचिंदर बड़े सही वक्त पर आया तू, घर में तेरी मौजूदगी से सब बहुत खुश होंगे। रुको, एक्सक्यूज मी, देवा तूने दौलत तो बहुत कमा ली है लेकिन दिल का सौदा हुआ है कि नहीं? मतलब लड़की वड़की? लड़की मतलब शादी? शादी? हाँ। अरे इसकी हालत देखी है ना बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं बढ़ती। अच्छा बच्चू मजाक कर रहे हो, देखना तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि। कैसी? कैसी? हाँ यार कैसी लड़की? देखिए आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें बताइए। देखिए मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूँ, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं।
आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ए, तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है? और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है? इसे अपने को क्या साला, अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना, अपने पास क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना, हाँ क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की दो बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैं। 19 MLA थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 MLA जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, आप मेरी बात का ये। अजी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठ कर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखी। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब, क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए, जगदम्बे अम्बे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। जाओ देखो कौन है वहां। कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए, और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचान आपकी नजरों ने मुझे। हम एक गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी, जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। मनी, इन्हें घर तक छोड़ो।
कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मने, पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए जाओ डूब मरो, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। Shut up, you bastard! चल चल छोड़ छोड़, तेरी शादी हो गई। मैं समझ गई, कोई लड़का तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं उसके मन में क्या है। माँ, हाँ ये क्या हो रहा है, तूने फिर मेरी बुराई शुरू कर दी ना। अरे नहीं रे। खैर कैसा चल रहा है? तूने दवाई टाइम पे ली के नहीं? हाँ हाँ खाई खाई, और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए, मैंने तो साफ कह दिया खांसी तो रुक ही नहीं रही मेरी, फायदा क्या है। सेव बटाटा पूरी खाए के नहीं? हाँ, हाँ? नहीं, 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 मैं कहाँ खाती हूँ। तू सुधरेगी नहीं, डॉक्टर ने तुझे तीखा चटपटा खाने को मना किया है ना। मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन ये नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है। समझ गया समझ गया, फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? सेब और केले। हाय संतरे, संतरे नहीं लाई तू? पहली बार भूली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वाले को सेब दे के संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेब बटाटा पूरी खिला दिया था, इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है, मस्त। माँ तेरा तो यहाँ टाइम बहुत मस्त पास होता है, अपना तो कल रात को बहुत टाइम खराब आ गया था। क्यों क्या हुआ, तेरा नए मालिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, ये ले तू सेफ का। तूने मुझे अपने नए काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तू कोई ऐसा वैसा काम? माँ तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? देख तेरे को लगता है मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी? नहीं, बस ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी। और अगर तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो तू मुझे बता दे। नजर में तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसे जानना पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है। सर ये है देवा, कुछ ही दिनों में इसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है, दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर ये जिंदाल है, वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का, और सर ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर ये है लाल सिंह, लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है, इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है, नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है, पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर ये खान, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन, यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है, इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं, ये जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है। मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, हमें पूरा यकीन है सर अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना सब कुछ मालूम है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर, और प्रॉब्लम है हमारा कानून। अदालत की कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर जाता है सर, और ये सब लोग अपने पैसों के बूते पर बड़े बड़े वकीलों को अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर लेते हैं, और अदालत इनकी गिरेबान तक पहुंच नहीं पाती और केस कमजोर पड़ जाता है। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से मिस्टर सक्सेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। बिल्कुल नहीं सर, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको खास अधिकार चाहिए सर, वी नीड स्पेशल पावर्स,
हमारे पास ऐसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए जो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी इनके खिलाफ हमें वारंट दे, और हमारे पास खास अधिकार होने चाहिए कि हम इन्हें जब चाहे हिरासत में ले लें और जरूरत पड़ने पर सच उगलवाने के लिए इन पर थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें। दैट्स राइट। मैं जानता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, एकदम सही, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर सक्सेना कि अगर ये अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट इन अधिकारों का मिसयूज नहीं करेगा? सर, अगर कोई भी शख्स इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए उसको भी बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। मैं अपना डिसीजन कल शाम तक तुम्हें बताता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday dear Deepu। चलो चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आकाश, ये तेरे लिए। आकाश, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पेन से एक दिन तू इतिहास लिखेगा। इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। मेरा लिखा इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तेरी बातें भी बस देवा। शरबत, कमाल है, अब तक इंदर नहीं आया और खाना भी तैयार है। और उसके इंतजार में हमें भूखा मत रखना। इंदर ने आज ही चार्ज लिया है, पुलिस वाला है, ड्यूटी पहले करेगा। क्यों रे, कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? साहब, मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं, है? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उसे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना लें, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे आए। केस क्या है, क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है, वो भी इसके सामने? इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। यह
कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये पांच बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहां एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। यह कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। मैंने तो बाबूजी को यह केस लेने से रोका भी था। अरे यहां ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है, कुछ नहीं होता कोर्ट में, मगर बाबूजी तो बस। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता। देवा मैं तुझे लेकर भी काफी डरा रहता हूं। कितने सारे दुश्मन पाल लिए तूने इस शहर में। देख मैं जानता हूं कि तेरा हर कदम बुराई के खिलाफ उठता है, लेकिन पुलिस भी तो गलत लोगों का साथ देती है। तू मेरी फिक्र छोड़, तुझे मेरे काम धंधे की समझ नहीं है। मेरा वास्ते ही उल्टे सीधे लोगों के साथ पड़ता है। तू बता तेरा काम कैसे चल रहा है? नया काम शुरू किया है बिल्डिंग मटेरियल का, काम काफी बढ़ गया है, एक दो बिल्डर से और बात चल रही है। आकाश मैं चाहता हूं कि तू ये सब कुछ छोड़कर कोई अच्छा सा बड़ा काम शुरू कर। नहीं देवा, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। सुबह 9 से 6 तक काम, फिर घर, और कोई बड़ा काम मुझसे संभलेगा भी नहीं देवा। तेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। मुन्ना ये फाइल बाबूजी को दे देना, कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं।
ए टोपी, माँ किधर है? बिस्तर तो खाली है। माँ वो तो चली गई। गई कहाँ? गई अरे बाबा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल? बेटा ये क्या है? माँ ये हॉस्पिटल है। हा? अस्पताल। अस्पताल ऐसा भी होता है? माँ यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। खर्चा बहुत होता होगा? ज्यादा कुछ नहीं, 1,00,000 रुपया जमा किया है। 1,00,000 रुपया? क्या हुआ? मुझे संभाल, चक्कर आ गया मुझे। चलो अपने कमरे में चलो। हाँ अपने कमरे में? हाँ अलग कमरा मिलेगा मुझे। हाँ हाँ चलो 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 चलो। इतना बड़ा कमरा, हे भगवान। टीवी भी है, चलता है? हाँ देखिए चलता भी है माँ जी। ओ ये तो रंगीन है, देखो देखो। और वो मशीन क्या है? माँ जी एयर कंडीशन है। क्या है? एयर कंडीशन, ठंडी ठंडी हवा आती है, देखिए ठंडी ठंडी हवा फेंक रही है बराबर। ये बिस्तर, ये भी मेरे लिए? हे भगवान ऐसे भी बिस्तर होते हैं? चक्कर आ गया मुझे, फिर चक्कर आ गया। अच्छा माँ जी चलते हैं। अच्छा भाई अच्छा जाओ। अरे माँ तो यहाँ? अरे बेटी तू इधर आ, इधर आ, तेरा माता चूमूंगी, इधर आ जल्दी। अरे वाह तू तो बहुत बड़ी जगह नौकरी कर रही है, और देवा है ना कितना बड़ा दिल वाला है, कितना भोला लगता है ना वो। बेटी तूने देखा वो? देख रंगीन टीवी, और मेरे ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन देख, और ये बिस्तर कितना अच्छा है ना। लगता है देवा तेरे काम से बहुत ही खुश है, तभी तो उसने मेरे लिए। अब तो यहाँ ठीक हो जाएगी, तेरा यहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा। अरे अब तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, ऐसी अच्छी जगह से ठीक होकर कौन जाना चाहेगा। अब तो मैं आज जम ही जाऊंगी, डॉक्टर से साफ कह दूंगी कोई ऐसी दवाई दे दे कि बीमारी बस टिकी रहे। तो तू मेरे बॉस की कमाई पे ऐश करना चाह रही है, बोल दूंगी उसे। मैं आप ही को मिलने आई हूँ, जो कुछ आपने मेरी माँ के इलाज के लिए किया सोचा आपको मिलकर ही शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा तो बोलो। वो क्या? शुक्रिया अदा तो कर चुकी, और कुछ बोलना है? नहीं और तो कुछ नहीं, बस मैं तो यूं ही। देखो तुम्हारा ये उदास और डरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, गुस्से में अच्छी लगती हो। तुम्हारी माँ भी कह रही थी कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, वो भी तुमसे बहुत डरती है। वो भी मतलब? कोई और भी मुझसे डरता है? पागल लड़की है, कुछ भी बोल देती है। जिंदाल साहब, देवा को इस मीटिंग में बुलाने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है, और हम उसे अपने बराबर बिठाकर इज्जत दे रहे हैं। जिंदाल साहब, मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है, जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है, और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। मेरा तजुर्बा है ऐसे तेज आदमी को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं, इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ
तार पकड़ी है उसका तो मैं कायल। ये तो आपका भड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को ये बात समझ में आ गई वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। ये वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ बेटे। अभी तक उस हॉस्पिटल में होती तो ऊपर पहुंच गई होती। यहाँ तो नई जिंदगी मिल गई मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि तू है कौन। हमें तकलीफों दुखों से उभारने के लिए कहाँ से आ गया तू? इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता बेटे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया बेटे? मेरा इलाज करवा रहे हो, मेरी बेटी को नौकरी दी, वैसे वो काम कैसे कर रही है? अरे जिया, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ऑफिस संभाल लिया। सभी चाहते हैं उसे। बेटी वो अकल की थोड़ी कच्ची है। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना। बिन बाप की पली है ना, इसलिए जरा मुंहफट है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर की बातों को अच्छी तरह से मानिए और कोई चटपटी चीज मत खाइए। मैं आपको देखने आता रहूंगा। अच्छा बेटी। देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो?
एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो इंदर, गुड्डी मेरी इकलौती बहन है, उसके मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बिठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर ये बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में शहर के जिन चार बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है, उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे, उनके सामने मेरी पोजीशन। प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है? आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अब कन्या को आप मंगलसूत्र पहनाइए। लीजिए। अब ये सिंदूर लगाइए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए। देवा, अब कुछ बोलेगा भी? मुझे पहले दुल्हन बनी अपनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। इस पल का कितना इंतजार था मुझे। भैया। ए, रोएगी ना तो पिट जाएगी मेरे हाथों। आकाश, देख कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड्डी, बिल्कुल गुड़िया की तरह, है ना? ए, तुझे क्या हुआ? देवा, ये कैसा मोड़ आ गया हमारी जिंदगी में? हमारा शरारतों भरा बचपन, हम तीनों का रूठना, झगड़े मनाना, और अब वक्त ने हम तीनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया हमें। ए गुड्डी, रो मत गुड्डी, देख तू हमसे दूर थोड़ी जा रही है, हाँ इसी शहर में तो है तू, और उस एसीपी साहब को मैं यहां से ट्रांसफर होने नहीं दूंगा। तेरे भाई की बड़ी पहचान है यहाँ पर। अच्छा ये बता, तुझे तोहफा क्या चाहिए? हाँ, आपने तो मुझे इतना बड़ा तोहफा दे डाला। आज ही के दिन आपने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई, उनके माँ बाप मुझे कितनी दुआएं दे रहे होंगे। इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए मुझे? आकाश, गुड़ी को घर ले जा, इसका इंतजार हो रहा होगा। सुन बेटा, ये पैसे ले और एक अच्छी सी भेल ला दे। माँ जी, यहाँ बाहर की कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अरे ये बात तो तुम्हारे हमारे बीच रहेगी। अच्छा सकर, तू उसमें से 2 रुपए रख ले चाय पानी के लिए। क्यों जिद कर रहे हैं माँ जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे वाह, मेरे लिए भेल लाएगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी? अरे कैसा अस्पताल है ये, यहाँ मरीज चटपटा खाने के लिए छटपटा रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। जा भाई जा,
बचा ले अपनी नौकरी, जा जा। देवा, बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है उसके घर पे प्रॉब्लम है। हाँ देवा, देवा। हाँ माँ? देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड़ में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं ड्रग है। जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे नहीं मरे। बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, चलो बच्चों यहाँ से बच्चों जल्दी संभाल के चलो बच्चों, चलो माजी माजी चलो निकलो यहाँ से, चलो। में तो हो देवा, तू एक ऐसा हैवान है
जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। क्यों जनाब, आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना? जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना? शोभा, गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी, मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा, मगर आज मैंने और दीपू ने यह तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए। यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है ऊपर कोई है। का भी बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए सीएम साहब तो पता है, हमें सब पता है। सीएम को लाइन पर लाने के लिए क्या तीर मार रहे हैं आप, ये बताइए। बहुत नुकसान उठा लिया हम लोगों ने। सीएम पर लगाम कसना कृष्णकांत के बस का रोग नहीं है, और अब इस सीएम का और जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद है खान, तुम बिना वक्त जाया किए हुए मुद्दे पर आ जाते हो। सीएम सच्चाई का दामन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे जिंदगी से महरूम कर देना चाहिए। सीएम की मौत का खेल हम खेलेंगे और नाम देवा का होगा। बोल, कैसा है तू? इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था, वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि वो सीएम को मारकर देवा को फंसाना चाहते हैं। क्या क्या कह रहा है तू? वो कोई जिंदाल साहब करके थे, वो बात कर रहे थे कि वो देवा को फंसा देंगे।
आकाश तू कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ वसंतराव भागवत चौक के टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। आकाश तू सुन, तू वहीं पर रुक, मैं वहाँ पर अभी पहुँचता हूँ। इधर तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकाश तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। हमें भी फोन करने दो। मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना इंदर, मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग? कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर, जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। चल मेरे साथ। तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यहीं हैं आकाश बाबू। इधर यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, इंदर ये तू क्या कह रहे है? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। Fuck!
देवा, देवा देख, इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा। अब मान भी जा यार। गांधी जी पता है कितनी बड़ी हस्ती थे? इतना बड़ा काम करना को मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। परछाई तो हर एक की जिंदगी में आती है, इससे कोई नहीं बच सका। तू इसका सामना कर, हिम्मत मत छोड़ बेटा। तेरे साथ जो हुआ है उसका इंसाफ खुदा करेगा। दुश्मनों ने तेरी झोली में तेरे भाई की लाश डालकर ठीक नहीं किया। मैं अंधी हूं मगर उन लोगों का सर्वनाश देख रही हूं। बेटा जीत तो तेरी ही होनी है। कितने दिन दुखियों की दुआएं हैं तेरे साथ, देख। लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूँ मनी, आकाश यहाँ इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और, हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये? ये भैया ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। ओ पंडित, यू शट अप। ठीक है ठीक है, गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे नहीं, ठीक है बस, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है, ऑफिस के चारों ओर चार फूटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमन्ते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। Yeah!
तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बताए बता। देवा देवा ये क्या कर रहे हो तुम? देवा देवा शालिंदर देवा इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा, लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था। नहीं था उस राज शहर में? इंदर आकाश की मात है कि एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था, क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई काम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने देवा डरो, ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है, इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सच उगलेगा कि क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा ये मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन 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 आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा ये बात कहकर तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद मेरा मतलब रशीद ठीक कह रहा है, सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा देवा तुमने आज बता दिया हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे।
मनी चक्कर आ गया मुझे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। कहीं सही नहीं जाने देगा। ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या? ये तोता है। ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी? हाँ आ गया मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूँ ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभाल लूंगी। अरे मेरा राजा, आजा आजा आजा। मिच्छू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं नहीं जाएगा, ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना, यहाँ का मुझे बिल बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना? हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया, ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई मेरे लिए नहीं भैया, मिट्ठू के लिए। अच्छा, अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माजी ने बोला है। जा जा बुल्लू बनाया इसको, अब दोनों मिलकर खाएंगे। आओ आओ इंदर आओ। सर उधर रखो। सर इन 2 सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए हैं। बैठो। थैंक यू सर। सर ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो? हो सकता नहीं सर, लिंक है, देवा का डेफिनेट लिंक है। सर मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर, तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है, दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते हैं, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुटी। सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे? मैंने कहा इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं, मना किया था ना मैंने? हाँ मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूँ मैं तेरा? पहले पूछा कौन हूँ मैं तेरा?
तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है। जो मैं चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ, वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर, और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेल जोड़ रखे, ये बात ठीक नहीं। समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो, देवा को भूलने की आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा? नहीं, 2 लाख 10-12 खोका इधर उधर हो जाता है। हा? खोका? खोका बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़। तू सेफरी खाएगा? नहीं नहीं माँ। अरे मैं मंगा दूँ, मेरी बहुत चलती है। बार बार नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you। देवा, देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई, उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है। मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है, उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो, देखो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत ही मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी, उन्हें यहां लाने में काफी देर हो गई। I'm sorry। अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे, सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद
वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर माँ का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा? हाँ बोलो इंदर। सर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ड्रग माफिया के रिलेशंस हमारे कुछ एक खास मिनिस्टर्स के साथ हैं। सर उनकी एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मुझे अभी-अभी खबर मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर वहाँ पर पहुँच जाएं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा इंदर। कहाँ आना है मुझे? डेल्टा टावर ठीक 11 बजे। हेलो देवा। हाँ बोलो इंदर। देवा मुझे आकाश के कातिलों के बारे में कुछ खास खबर मिली है। मैं चाहता हूं कि तुम डेल्टा टावर पहुंच जाओ ठीक 11:15 बजे। ठीक है मैं पहुंचता हूं। आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। आइए सीएम साहब। जिंदाल तो? इंदर तो सिर्फ जरिया था आपको मुझ तक पहुंचाने के लिए। दरअसल मैं आपको ऑनर करना चाहता था आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के लिए। क्या मतलब? आपको जलसे समारोह भीड़भाड़ पसंद नहीं है इसीलिए मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी आपकी मरने के लिए।
इंद्र भैया, देवा देवा वो तो डॉक्टर का बंदोबस्त करो। हाँ देवा। देवा ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कौन क्या खेल खेल रहा है। एसीपी इंद्र सक्सेना से बात करनी है। ऑफिस में नहीं है। देवा मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? जया इंद्र ने बुलाया था मुझे वहाँ पर। जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे।
एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंदर पहुंचा क्यों नहीं वहां पर। मिस्टर इंदर, आज हर जगह हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब हम अपने सीएम साहब की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जैसे काबिल ऑफिसर के वहां होने के बावजूद भी देवा और उसके चंद गुंडे सीएम साहब को उठा कर ले गए। हैरानी है मुझे, और आपकी इस गलती पर मुझे अफसोस भी है कि जब आपको सीएम साहब ने बुलाया था तो आपने उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से सारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की? सिर्फ चंद ऑफिसर्स को लेकर आप वहां क्यों गए? सर, जिस तरह से उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी, मेरे लिए इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी था। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देवा ने सीएम साहब को अपने कंधे पर उठा रखा था। हमारे लिए उसे निशाना बनाना एकदम मुश्किल था क्योंकि गोली सीएम साहब को लग सकती थी। मिस्टर इंदर, मैं आपके और देवा के रिश्ते के बारे में जानता हूँ, उसके बाद भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, इस भरोसे को कायम रखें। सर, मेरे लिए देवा एक अपराधी है, सिर्फ अपराधी। मिस्टर इंदर, हमें देवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, हमने सभी 14 जोन्स को अलर्ट कर दिया है। देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला दिए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 250 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। डोंट वरी सर, देवा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। एक विशेष सूचना, आज सुबह करीब 11 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब पर एक अपराधी देवा ने गोलियां चलाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों ने देवा पर जवाबी गोलियां चलाई, लेकिन उनके द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बावजूद देवा मुख्यमंत्री को लेकर फरार हो गया। पहले मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना और बाद में उनको अगवा करने के पीछे देवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में पुलिस आयुक्त ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूं, कानून मैं भी जानता हूं। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहां कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूं इंदर बेटा, मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी। नहीं मालूम है। देवा भैया, देवा भैया। क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मेरी सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था। देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती जा रही है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे, हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकल कर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया।
सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं। कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी। यहां जिंदाल। रिलैक्स जिंदाल साहब, प्लीज। बात पोजीशन की नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वो। हेलो हेलो, इंदर जिंदाल के सामने इस तरह। बीबी जी कपड़े ले लो। ये लो। ये ले। लेकिन मेरे पास तो छुट्टी नहीं है। अरे रहने दे, कल दे। नहीं, देना। मैं अभी लेके आई बीबी। अरे जी, कोई बात नहीं, कल दे देना। अभी लाई बीबी जी, अभी लाई। चली गई। आ, आ, क्या है ये? ये इंदर भी कितने लापरवाह हो गए। पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मतलब इंदर ने। बहन का अपने भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार देखा। आज पहली बार देखा। क्या बताने जा रही थी तुझे कि मैंने आकाश को मारा? मेरा नाम बता रही थी तू? हाँ, मैंने ही आकाश को मारा। हैरान मत हो, तुझे याद है ना किस तरह से तेरे भाई देवा ने मेरे भाई विलास का हाथ उखाड़ दिया था? तूने तो सिर्फ उसका हाथ उखाड़ते हुए देखा था, जबकि मैंने अपने भाई को
तड़प तड़प के मरते हुए देखा। इतना बड़ा धोखा, रिश्ते, प्यार, शादी, सब तूने तो बड़ा ही नीच काम किया है इंदर। मेरे मेरे देवता जैसे भाई को मारा, तुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान तेरी यहां से नहीं सुनेगा, बहुत ऊंचा सुनता है। तुझे उससे फरियाद करने के लिए ऊपर जाना होगा। मेरी धर्म पत्नी होकर मेरा ही राज खोने की चाल। कहां से आ रहे हो? फौजी एयरपोर्ट से। टिकट खोलो। अच्छा सर, ये क्या कर रहे हो देवा? तुम यहां रुको, मैं देख कर आती हूं। Ah!
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। वैसे भैया कुछ भी हो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, वाह भाई वाह, अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। मुझे पहले अपनी दुल्हन बनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। भैया भैया तुम सुन रहे हो ना, भैया मुझे पता चल गया है आकाश भैया को किसने मारा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की अस्थियों के लिए आया हूँ। वो तो लड़की का भाई ले गया। कौन, देवा? हाँ हाँ, यही नाम था उसका। आप जिनकी अस्थियां लेकर आए हैं उन्हें याद कीजिए। देखा शिंदे, क्या बात है, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। क्यों, मेरे ऊपर कोई कहर गिरने वाला है क्या? जाओ। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी?
दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी, भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बनकर रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। देवा, देख देख देवा, देख देवा, मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। अच्छा है, जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ, लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है जी? तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापस इंदर सक्सेना की घुसकर बैठे हुए होंगे, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए गिलास दे। काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा मैं, तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ 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 खान, दौड़ दौड़। बचाओ!
बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रंग दिए? जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, इसे पनाह मत दो, मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है, अपराधी, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देवा, ये भी तेरी अदालत है, इंसाफ कर देवा, इंसाफ कर। तो समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। गोलियों के जख्मों की वजह से इनके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। इन जख्मों को साफ करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल जाकर मुझे कुछ चीजें और दवाइयां खुद जाकर लानी पड़ेंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए, आप प्लीज यहां बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिस्टर। देखिए जितना भी ऑपरेशन का सामान, ये दवाइयाँ, ये इक्विपमेंट है ना, सबको दो मिनट में पैक करना है। जी अभी ना भी आया। बोल रहा हूँ। देखिए मैं डॉक्टर राणे बोल रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल से। जी हाँ, देखिए मैं जानता हूँ कि देवा ने सीएम साहब को कहाँ रखा है। वो मालवनी विलेज है ना, उसके पास वो पुराना किला है, उसके पास। जी हाँ, देखिए सीएम साहब की हालत बहुत खराब है, उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। जी हाँ, वो बच सकते हैं और देवा भी उन्हें बचाना चाहता है। ओके सर। जिंदाल साहब, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। देवा जिस जगह पर छिपा है, उस जगह का ठिकाना हम सबको मिल चुका है। सीएम साहब अभी भी जिंदा हैं और देवा उन्हें बचाना चाहता है। देवा, देवा, देवा कहाँ है? कोई तो बताओ, देवा कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, कहाँ है? We'll be right back.
देवपुरा के लोगों, इस बस्ती को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर किसी ने देवा से वफादारी निभाने की भूल की या फिर इस ऑपरेशन के दौरान किसी ने अपना सर उठाने की जुर्रत की तो उसको दुनिया से उठा दिया जाएगा। फ्रंट पुलिस फोर्स मूव मूव। देवा, ए देवा, बुजदिल साले, अरे देवपुरा के कौन से बिल में छिपाए तू? अरे बाहर आता है या उसी बिल में मैं तेरी कब्र बना दूं। सीएम मिले उसे खत्म कर डालो।
जल्दी चल, चल जल्दी, आई सर, आई सर, चल, चल मनी जल्दी चल, चले, चलो गाड़ी निकालो जल्दी, चल, चल, मशीन, चल, 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 बंद कर दरवाजा, बाहर निकल देवा, बाहर निकल, चल जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है। मेरा बेटा देवा बेकसूर है, गोली मुझे जिंदाल ने मारी थी, एसीपी सक्सेना ने मुझे फोन करके डेल्टा टावर बुलाया था अकेले। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सक्सेना नहीं था, जिंदाल था। ये अदालत मुजरिम देवा को 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है।